अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, हैं? कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं। अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मकारों की पोल खोल कर, अरे मकारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मकारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं। अरे बस भी कर कलूटे, क्यों कान खाए जा रहा है? अबे सुनता है कि फोड़ू दूसरी भी? ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे ओ काकदेव, श्याम सुंदर जी, आपकी सुरीली आवाज का जवाब नहीं, मगर ये वक्त का राग अलापना बंद भी करो। ये भला मानस तो कुछ सुनता ही नहीं। अबे कर्कश आवाज वाले, एक आंख वाले काक भुशुंडी, जरा शांति रख। तू खूब जानता है कि ये शाम का वक्त हमारे गांव की प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं के बारे में विचार करने का समय है। अरे क्यों रंग में भंग करता है रे, चल भाग यहां से। दिमाग खराब कर दिया इसकी कांव कांव ने, खैर दफा हुआ। हाँ तो हम कहाँ थे? अरे हम तो यहीं थे और बात कर रहे थे गांव के सुख दुख की, जो टीवी से प्रसारित होने वाला है। कक्का जी जरा ठीक तैयार होकर बैठो, टीवी पर हमारी तस्वीर आएगी, ये गांव ही नहीं पूरे देश के लोग देखेंगे। पर भैया अब वो बात कहाँ जो जवानी में थी, हमारी शक्ल देखकर लोग तो यही कहते होंगे कि खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। खैर कहने वाले कहते रहें, अरे अपना दिल जवान तो दुनिया जवान है कि नहीं? अरे अरे वो टोपी वाले भाई, यानी वो डायरेक्टर, अरे अरे वो टोपी वाले भाई, भैया कैमरा चालू हुआ कि नहीं? अरे वो तो कब का चालू है कक्का जी। यानी कि चालू है और हमें बताया तक नहीं? अरे कक्का जी आप तो वो काकदेव से सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग में कैसे बिगड़ डाले? मस्खरी करता है, अरे हम तो बस यूं ही गुफ्तगु कर रहे थे, क्या कहते हैं उसे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, समझे? समझ गए कक्का जी, अब जारी रखिए मजा आ रहा है। क्या खाक मजा आएगा ऐसे, अरे हमारा मेकअप शेकअप तो कुछ किया ही नहीं और कर दिया कैमरा चालू। कक्का जी ये लाइव टेलीकास्ट है, यानी रूबरू, लगता है आप अपने डायलॉग यानी संवाद भूल गए हैं। कौन कहता है हम डायलॉग भूल गए हैं, समझते क्या हो, अच्छे अच्छे एक्टर हमारे सामने, वो क्या है पानी भरें। कक, क्या हो गया कक्का जी आपको, कल रिहर्सल में तो आप ठीक ठाक थे। अरे भैया उस नामुराद काकदेव ने हमारा दिमाग खराब कर दिया, और डायरेक्टर साहब सच्ची कहूं पहली बार टीवी पर आ रहा हूं ना, सो थोड़ा वो हो रहा हूं, नर्वस यानी कि घबराहट सी हो रही है। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बस वही करिए वही कहिए जो रोज चौपाल पर करते हैं। हाँ हाँ यानी के गांव के सुख दुख की फिकर। हाँ वही, लेकिन ये प्रोग्राम बन रहा है साक्षरता मिशन के लिए।
समझ गया, जो भी बात करेंगे वो इसी की बाबत करेंगे, यानी के केंद्र बिंदु फोकस साक्षरता अभियान पर रहना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक। तो शुरू करें कक्का जी। साइलेंस, रोल, एक्शन। राम राम, सलाम वालेकुम, वेलकम भाइयों और बहनों। मैं हूं झगड़ा प्रसाद, लफड़ा प्रसाद दे धना धन। वैसे झगड़ा और लफड़ा, उसके बाद ये दे धना धन, ये हमारी खानदानी परंपरा है, इसलिए हमारा नाम पड़ा झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद दे धना धन, यानी JPLP DDD। लेकिन गांव के लोग मुझे क्या है कि कहते हैं कक्का जी। कैसा लगा आपको हमारा नाम? आपके मुंह पे हमारा नाम, अरे ये कक्का बिक गया बिना दाम। तो भैया, हम हाजिर हुए यहाँ टीवी कार्यक्रम द्वारा आप तक पहुँचने के लिए, कहानियां सुनाने के लिए, मजेदार कार्टून चित्र दिखाने और दो चार सोचने समझने की बातें करने के लिए। एक मिनट, अरे अरे वो बनवारी कहाँ चला रे? अरे इधर तो आ। बोलिए कक्का जी। अरे ये क्या हाल बना रखा है रे तूने, कुछ लेता क्यों नहीं? अरे लिया, तभी तो ये हाल हुआ है कक्का जी। क्या बात करता है, पीपा कर तो नहीं आया कहीं? अरे नहीं नहीं कक्का जी, आप तो जानते हैं कि जिंदगी में मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तो फिर लिया क्या? दवाई ली थी। अच्छा, दवाई सो ही कहूँ, तब तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे नहीं कक्का जी, दवाई ली तभी तो ये हाल हुआ है। अरे क्या बोलता है रे, शक्ल से तो पढ़ा लिखा मालूम होता है, पर इतना भी नहीं जानता कि दवाई से हाल ठीक होते हैं, बेहाल नहीं। सच कहता हूँ कक्का जी, सुबह सिर में थोड़ा दर्द था तो दवाई ली, और उसे लेने के बाद ही हालत खस्ता हो गई। क्या भगता है, क्या आजकल डॉक्टर इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि उनकी दवाई से हालत बिगड़े? वही तो कह रहा हूँ कक्का जी, अब 2-3 साल पहले बुखार आया था और सिर दर्द भी था, तो मैं गया डॉक्टर साहब के पास। उन्होंने मुझे दवाई दी और कहा कि जब जब सिर दर्द हो तो ये गोली ले लेना। तो जब भी सिर दर्द होता था तो मैं गोली ले लेता था, और तब उससे फायदा भी होता था। लेकिन अब तो जब भी गोली लेता हूँ तो तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है, तो इसीलिए मैंने एक गोली और भी ले ली, लेकिन हालत तो और भी बिगड़ रही है। हैं? एक गोली और ली? अरे दिखा तो सही गोली। हाँ तो गोली है ये, मैन्युफैक्चरिंग डेट March 90, एक्सपायरी डेट February 99। अरे इस पर लिखा है इस गोली का इस्तेमाल February 1999 से पहले कर लेना चाहिए, और अब है, अब कौन सा साल है? February 2000। और तू डॉक्टर बाबू को कोस रहा है? पर कक्का जी, 99 हो या 2000, पर सिर दर्द तो वही है, तो फिर वही गोली क्यों नहीं? हे भगवान, इस पर साफ साफ लिखा है कि ये गोली February 1999 तक ही काम की है, के बाद इसका इस्तेमाल करने से उल्टा असर हो सकता है। पर मुझे पढ़ना कहाँ आता है? यही तो सारी मुश्किलों की जड़ है। आज हम नई सदी में पहुंच गए, लेकिन तेरे जैसे लाखों अनपढ़ लोगों का बोझ लेकर। अगर बनवारी तू पढ़ना जानता तो तुझे पता चलता कि हर दवाई पर यह लिखा होता है कि उसका इस्तेमाल किस तारीख से पहले करना चाहिए।
उसकी कीमत वगैरह सभी बातें लिखी होती हैं उस पर। ये सरकारी नियम है, कानून है। अच्छा, ऐसा कानून भी बना है। और नहीं तो क्या, मगर कानून क्या करे जब आधे से ज्यादा लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते। ये तो खैर सिरदर्द की गोली थी, अगर कोई और गोली ले लेता तो हो चुका होता तेरा राम नाम बोलो सत्य। सच कहूं कक्का जी, अगर आज मैं भी पढ़ा लिखा होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। देख, तेरे जैसी ही गलती पास के गांव के रघु ने की थी। आज तो खैर वो पढ़ लिख गया, लेकिन वो भी पहले अनपढ़ था। अरे कक्का जी, हमारे बापू ने तो हमें इसीलिए नहीं पढ़ाया कि पढ़ लिख कर क्या करना है, खेत ही तो जोतना है। इसीलिए हम भी मटर गश्ती करते रहे। पर कक्का जी, उस रघु का क्या चक्कर है? जानना चाहता है तो सुन और देख। किसकी फटफटी उठा ले आए? अरे आता भी है कि नहीं चलाना? अबे किसी की नहीं उठा के लाया, मेरी खुद की है। मेरा मुंह क्या देख रहा है, मुझे उठा तो सही जल्दी से। अरे अब ठीक है? अरे क्या खाक ठीक हूँ, ये कैसा उबड़ खाबड़ खेत है रे तेरा। अब मुझे क्या पता था सेठ कि आप हमारे घर आओगे, और वो भी फटफटी पर। चुप, फटफटी नहीं उसे मोपेट कहते हैं। हे हे, देख तेरा वो कुत्ता। अरे रे मेरी टांग। सेठ, पहले अपने आप को संभालो फिर अपनी फटफटी को। हाँ वो बात भी ठीक है। बताइए सेठ, हमारे लायक कोई काम हो तो। हाँ, ओ हाँ, कुछ नहीं, यूं ही से गुजर रहा था, तुझे इस खटिया पर आराम करते देखा तो सोचा थोड़ी देर तेरे पास ही बैठ लूं। अच्छा किया आप आए तो। अच्छा ये पानी कहाँ से आता है रे तेरे खेत में? पास वाले खेत से, मेरे भाई राजाराम के कुएं से। क्यों, तेरे खेत में कुआं नहीं है? है तो, लेकिन पानी इतना नीचे चला गया है कि अब तो बैलों से भी पानी नहीं खींचा जाता। अरे लेकिन सुना है राजाराम और तेरी बनती नहीं है। कौन कहता है, अरे वो तो मेरा छोटा भाई है, देखो ये पानी उसी के खेत से तो आता है। भैया राजाराम गांव में कहता फिरता है, उसे पसंद नहीं कि तुम उसके कुएं से पानी लेते हो। हो ही नहीं सकता, उल्टा उसी ने सामने से मुझसे कहा था कि भैया मेरे कुएं से पानी लेना। खैर जो हो, लेकिन तेरे पास तो कुआं है, फिर क्यों भाई का एहसान माथे पर लेता है? देख पानी खींचने की एक मशीन आती है। हाँ पानी की मोटर। हाँ ओपन वेल मोनोसेट पंप कहते हैं उसे, उसे लगा ले। बिजली तो है ही तेरे खेत में, फिर उसको इस्तेमाल में कब लाएगा? सुना है पानी का पंप बड़ा महंगा आता है, ऊपर से बिजली का खर्च भी। नहीं रे, ऐसी बातें तो वही फैलाते हैं जिनके पास कोई ऐसे साधन नहीं होते। देख पंप लगाएगा तो भरपूर पानी पाएगा, वो भी 12 महीने, और साल में 2-3 फसल ले पाएगा। फिर तेरी कमाई भी ज्यादा होगी तो ट्रैक्टर भी आ जाएगा, और उससे काम भी जल्दी जल्दी पूरा होगा। फिर पूरा दिन आराम से लेटे रहना इस खटिया पे, ऊपर से भाई का एहसान भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन धनी राम, मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं? देख भैया, शहर में मेरे भतीजे की एजेंसी है, मैं तुझे कम दाम में पंप दिलवा दूंगा। वैसे 12-15 हजार का मामला है। 12-15 हजार? अरे चौंक मत, सुन तो सही,
ऐसे में नहीं तो फिर कब काम आएगा ये सेठ धनीराम? मैं उससे कहकर 2-5 हजार कम करवा दूंगा। फिर भी 10 हजार? चुप, पूरी बात सुनता नहीं। 12 हजार, 10-12 हजार कर रहा है। सुन, 10 में से 5 तू निकाल, बाकी के 5 की मैं मदद कर दूंगा। फिर तू महीने महीने देना। और सुन, गांव वालों से जो लेता हूं उतना ब्याज भी नहीं लूंगा तेरे से। सेठ, मुझे सोचना पड़ेगा। अरे रे, इसमें ज्यादा क्या सोचना। 15 हजार की चीज 5 हजार में घर में पड़ेगी। हफ्ते 10 दिन में तेरे खुद के पानी का जुगाड़ हो जाएगा, फिर अच्छी फसल होने लगेगी। रघु, तेरे सुख के दिन अब दूर नहीं। सोच मत, मौके का फायदा उठा, समझा? और तेरी जिंदगी इस वक्त मेरी तरह लंगड़ा कर चल रही है, पंप आएगा तो इस फटफटी की तरह दौड़ने लगेगी। क्या सेठ, आप भी ये फटफटी नहीं, मोपेड है, मोपेड। हाँ 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 हाँ, वही वही। अरे इससे क्या हो गया? हे रघुराम, अरे कैसा चल रहा है रे तेरा पानी का पंप? अय्या, ये अच्छा हुआ आप अभी आए। देखिए, ये तुम्हारा पानी का पंप अभी 1 मिनट पहले तक चलता था और अचानक बंद हो गया। तूने कुछ छेड़खानी की होगी इसके साथ जरूर। अपने आप को बड़ा इंजीनियर समझता है ना? मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया, ये अपने आप बंद हो गया, तो मैं क्या करूं? झूठ मत बोल, ये मशीन है, बिना छेड़खानी किए रुकी नहीं सकती। सेठ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्योंकि तू मेरे बाकी के पैसे नहीं देना चाहता। मैं सब तेरी चाल समझता हूँ, लेकिन याद रख, एक एक पाई मैं तुझसे वसूल करके रहूंगा। अरे सेठ जी, मैंने कहा मना किया पैसे देने से? हा? वो तो मैं वैसे भी चुकाने वाला था, पर पहले इस पंप को चालू करवाने के लिए आपके भतीजे को तो बुलवा आते। सेठ जी, मेरा भतीजा तेरी तरह बेकार नहीं बैठा, वहाँ बड़ा कारोबार है उसका शहर में। पहले पंप का बाकी पैसा सूद समेत वापस कर, तब आके वो उसको हाथ लगाएगा। कितना पैसा बाकी निकलता है? 4 हजार। लेकिन 2.5 हजार तो मैंने दे दिए हैं आपको। तो कोई एहसान किया है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 2.5 दिए हैं तो 2.5 बाकी रहे। और ब्याज कौन तेरा बाप भरेगा? आपने कहा था ज्यादा ब्याज नहीं लूंगा, इसीलिए तो 4 हजार निकलते हैं, वरना अभी तक तो 7-8 हजार तक पहुंच जाता तेरा कर्जा। लेकिन सेठ, 4 हजार आज के आज कहां से लाऊं? तो भैया, पड़ा रहने दे इस पंप को बंद, जब पैसा चुकाएगा पंप चालू होगा। और हाँ, इसके रिपेयरिंग का जो खर्चा आएगा वो अलग से देना पड़ेगा। धनीराम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा? ये बैल बेच दे, सारा कर्जा उतर जाएगा। क्या बात करते हो सेठ, इसी के कारण तो मैं जिंदा हूँ। तो क्या कर्जे में डूबकर मरेगा, बाद में बेचेगा? देख, गांव का इतना बड़ा सेठ होकर भी मैंने मेरी फटफटी बेच दी, मुझे तो किसी बात की शर्म नहीं आई। मेरे हाथ टूटे, पैर टूटे, इससे तो अच्छा है कि फटफटी बेच ही दूं। अरे सेठ, बैल बेचूंगा तो खेती कैसे करूंगा? देख भैया, तुझे जितना समझाना था समझा लिया मैंने, अब तू जाने तेरा काम जाने। मैं तुझे बैलों के अच्छे दाम भी दिलवा दूंगा, पर तुझे नहीं बेचने तो तेरी मर्जी।
रघु काका, ओ रघु काका, कैसे हो? कौन? विकास? कब आया शहर से? आज अभी अभी आया, सीधा यहाँ चला आया। शहर में कैसे चल रहा है तेरा कामकाज? एकदम ठीक ठाक। आप चाचा अपनी सुनाओ। अरे क्यों उदास दिख रहे हो? और ये खेत भी सुना पड़ा है, बैल भी दिखाई नहीं पड़ रहे, माजरा क्या है चाचा? क्या क्या बताऊं बेटे, तेरा चाचा बर्बाद हो गया। कैसी बात कर रहे हो चाचा? संभालो अपने आप को और पूरी बात आराम से बताओ। बेटे 3-4 महीने पहले धनीराम से 5,000 उधार लेकर मैंने पानी का पंप खरीदा था, हफ्ते पहले बिगड़ गया। अब उसकी उधारी और ब्याज इतना बढ़ गया था कि मुझे बैल बेचने पड़े। क्या? चाचा आपने बैल बेच दिए? और मैं क्या करता, ऊपर से अब तो वो पंप शहर ले जाने का, रिपेयरिंग करवाने का, वो सब खर्चा अलग। चाचा 3-4 महीनों में कभी मोटर नहीं बिगड़ती, और बिगड़े तो मुफ्त रिपेयरिंग की गारंटी होती है। चलो चलो दिखाओ मुझे पंप कहाँ है। ये देख, 1 साल की पूरी गारंटी, नया पंप बदली करने तक की। चाचा ये देखो, देखो जरा, 1 साल की पूरी गारंटी है, नया पंप बदली करने तक की। कब खरीदा ये पंप आपने? 3-4 महीने पहले। मतलब अभी 1 साल तो नहीं हुआ ना, और इसका बिल है? हाँ। तो चलो बिल लेकर मेरे साथ चलो, उस धनीराम की तो मैं धज्जियां उड़ाता हूँ अभी। चलो। अबे धनीराम, सारा ब्याज का हिसाब झूठा है तेरा, और रघु चाचा आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी अंगूठा लगा देते हो। ए छोरे, ये तेरा शहर नहीं है, यहाँ तुझे तो सिर्फ 2 दिन रहना है। इन सब की पूरी जिंदगी मेरे ही सहारे बीतती है। तुम चुप रहो वरना अभी पुलिस में दे दूंगा। सारा का सारा कारोबार झूठा है तेरा, और मोटर पंप के रिपेयरिंग का खर्चा मांग रहा था ऊपर से। उस पर साफ लिखा है कि 1 साल की नया पंप बदली करने की गारंटी है। वो मैं कुछ नहीं जानता, वो सब मेरा भतीजा जाने और रघु जाने। भैया उसने जो मुझे बताया वो मैंने रघु को बता दिया। अच्छा अब समझा, मतलब गांव में चाचा और शहर में भतीजा, अनपढ़ और ना समझ लोगों को लूटने का धंधा कर रहे हो। तेरे उस शहर वाले भतीजे को तो मैं बाद में देख लूंगा, रघु काका को नई मोटर तो दिलवाऊंगा और उसे पुलिस में भी दूंगा। वो तो हो जाएगा, पर ये मेरे पैसे खा गया उसका क्या? चाचा ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उन सब का पैसा खा गया है। अरे सुनो शांति रखो 1 मिनट आप सब। क्या इसे मारने से तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी? इसे गांव के बाहर कर दोगे तो कल कोई दूसरा धनीराम आ जाएगा। इस समस्या का कारण है तुम्हारी निरक्षरता। अगर गांव से बाहर निकालना है तो तुम्हारी इस निरक्षरता को बाहर करो। लेकिन अब ये कोई उम्र है पढ़ने की, और कौन पढ़ाएगा हमको? सुनो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और मैं इंतजाम करूंगा ताकि आप सब पढ़ सको। मैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्वयंसेवक हूं। आप लोग अगर चाहें तो आपके गांव में सभी अनपढ़ बड़े बूढ़ों को साक्षर बनाने का, पढ़ना लिखना सिखाने का कैंप लगवा सकता हूं, बशर्ते आप रोज पढ़ने आओगे। भाइयों, बहुत गलतियां कर ली जीवन में, इसे एक निरक्षरता के कारण अब नहीं करना एक भी ऐसी गलती जिसे लोग कहें कि इसके जिम्मेवार तुम हो। बचपन से लेकर आज तक
जब भी किसी ने हमें पढ़ाना लिखाना चाहा, हमने बहाने ढूंढ लिए और कदम कदम पर मूर्ख बनते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो, विकास को हमारे गांव के विकास का एक काम सौंप दिया जाए। सही बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो कैसे धनीराम भाग रहा है। ए भागा, ए भागा। तब मेरे पीछे बोलोगे, ठीक है? मगर का म, मगर का म, ध धजा का ध, ध ठहरो ठहरो ठहरो, धजा का नहीं, ध धनीराम का ध। धनीराम का क्या? तो देखा बनवारी, रघु ने भी तेरे जैसी ही गलती की थी। लेकिन आज न सिर्फ रघु बल्कि उसका पूरा गांव पढ़ लिख गया है। कक्का जी, तब तो मैं भी पढ़ूंगा। तो जाओ हमारे गांव के स्कूल के अध्यापक जी से मिलो, वो तुम्हें प्रौढ़ शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो भाइयों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आपके गांव में भी आप पढ़ाने लिखाने का काम करना चाहते हो और पढ़ना लिखना चाहते हो तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नजदीकी कार्यालय का संपर्क करें। राम राम, खुदा हाफिज, गुड बाय। अरे तू फिर आ गया रे, तुझे भी बाय बाय। ज्ञान बिना नर पशु समाना, कह गए तुलसी संत सुजाना। कक्का जी ने मरम ये जाना, काम बनाए अक्षर ज्ञान।